ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पहले थोड़ा तूफान चला और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। शायद से ओले भी पड़ रहे हैं, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं, अभी मैं बारिश में नहीं जा रही, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी थी आज, थोड़ी देर चैन की सांस आएगी लोगों को बारिश की वजह से, लेकिन बारिश होने के बाद ज़्यादा गर्म हो जाती है ज़मीन, गर्मी निकलती है ना। अभी इतने टाइम से गर्मी हुई थी, अब घर की दीवारों से भी इतनी ज़्यादा गर्मी निकलेगी, अंदर बैठना मुश्किल हो जाएगा। दादी आई हुई है हमारे घर, ये है मेरी दादी और इन्होंने देखो हाथ में क्या पहना हुआ है। ये मोदी के बहुत बड़े फैन है, दरअसल बीजेपी के ही, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम बीजेपी को ही वोट करा है। चाहे बीजेपी हारी है जीती है वो चीज़ मैटर नहीं करती। ये देखिए फिर एक बार मोदी सरकार, ये दादी ने बैंड पहना हुआ है। तुस कुसी वोट पांदे, वोट कुसी पांदे तुस, कुसी पांदे? अच्छा मोती या कमल के फूल को। दादी जो है उनसे मोती नहीं बोला जाता, तो वो मोती बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम बीजेपी को ही वोट डाला है, और दादू भी मेरे, और अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, काफ़ी दिनों के बाद अब हमारी फसल लगेगी। हम मक्की की फसल लगाएंगे, मक्की और बाजरा लगेगा, तो बारिश का ही लेट हो रहा था। ठंडी हवा चल रही है और बारिश, बहुत मज़ा आ रहा है आज, मौसम काफ़ी दिनों के बाद अच्छा हुआ है। और हमने जो गायों वाला शेड बनाया ना उसके ऊपर हमने डाली है टीन, जिस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बारिश कम ही पड़ रही है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और अभी पिछले कोई दो तीन दिन पहले तूफान चला, जिस वजह से जो है ये पेड़ जो हमारा चकोतरे का पेड़ था, काफ़ी टाइम से हम जो है इसकी सेवा कर रहे थे, मतलब इसको 5 ईयर्स हो जाने थे नवंबर में लगाए हुए, तो ये जो है गिर चुका। अभी फल एक बार भी नहीं मिला हमें इसका। ये मैंने लगाई है एलोवेरा, पर ये नीचे ज़मीन में लगी तो ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने गमले में लगाया था एक पौधा, अभी देखो इसमें पता नहीं कितने ज़्यादा पौधे हो गए हैं। बारिश रुक रही है, रुकनी नहीं चाहिए, अभी एक घंटा जो है इस तरह से बारिश होती रहनी चाहिए, फिर जो है किसानों को फ़ायदा हो सकता है, को अपनी फसल लगानी है। यहाँ पे पानी रुक गया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, अब इसको निकालना कैसे है पानी को। करते हैं कोशिश, आ तो रहा है पानी कुछ, यहाँ कुछ है भी नहीं इसकी मदद से मैं पानी निकाल पाऊँ बाहर, थोड़ा थोड़ा जा तो रहा है। बिजली कटक रही है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।